ब्लॉगिंग करेंगे। अरे ओ चमकदार है। So what's up guys, welcome back to another vlog and this is your host Akash on High on Speed. So today is a great day because aaj we are gonna go to a temple, Balaji temple somewhere in Rajasthan. So guys joining me will be Loki, reboot rider, and Harsh, which is dharmic rider. So once we get there I will show you. So till then stay tuned. सो जैसे आप देख सकते हो मेरा स्कूटी अभी ऑन हो गया है, मैंने अभी इसको ऑन किया है, कोल स्टार्ट किया है, एक मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं रोड पे आके आपको दिखाता हूँ कैसे जाता हूँ। मैं नोएडा सेक्टर 2 होके फरीदाबाद जाऊँगा, तो फरीदाबाद टोल प्लाजा, तो वहाँ पे हर्ष भाई भी निकल गए अपने घर से, मतलब निकलने वाले, आई डोंट नो, बट वहीं पर जाकर मिलेंगे। आज का रेट अच्छा रहा है। कहाँ जा रहे हैं, एक धार्मिक स्थल है, आपको बोल देता हूँ, GoPro बंद हो गया था मेरा, रिसेट करना पड़ा मुझे, 7 का हीरो 7 का प्रॉब्लम से पता ही है आपको। अभी मैं नोएडा में हूँ, हज़ार जला के धीरे धीरे चला रहा हूँ, यहाँ लोग पागल की तरह चला रहे हैं और लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहा है अभी भी लिटरली, क्योंकि कुछ चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ जो मैं याद नहीं करना चाहता। जी गूगल आंटी मुझे पता है, रुक जाइए आप, ये बहुत गंदा वाला टर्न है, यू टर्न लेना है यहाँ से, अब मैं वहाँ से लूँगा तो फिर पेट्रोल फिल करना है। एक भी चीज़ आप भी चेक कर लेना, मुझे एयर डलवाना है, नहीं नहीं एयर 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 डलवाना है। ओके ओके ठीक है, और मैं रुकूंगा, उसके बाद हमारा स्टॉप जो पहला स्टॉप होगा ना ब्रेकफास्ट वगैरह जिस भी चीज़ के लिए वो मथुरा लगेगा। ओके ठीक है। दिल के धड़कन से तो आए जाना हमारे सब सब के हो जाए आना रिश्तेदार द्वारे तो कैसे सोए जाना रिश्तेदार द्वारे लो 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 बड़ी सो गाइज अभी हम लोग पलवल क्रॉस करके NH-19 के आसपास कुछ यहाँ पे स्टॉप लिए हैं, कुछ फ़ोटोशूट वगैरह करना है क्योंकि दिन का उजाला तो आ गया है। चलो ठीक है। What a beautiful sunrise, dude! ऐसे रोड मिलते हैं सीधे सीधे और ऐसा सन मिल जाए ना, ऐसे सीनरीज मिल जाए, सन बोल रहा हूँ माफ़ करना, मज़ा आ जाए यार। ऐसे जम्मू राइड में कुछ ऐसे ही रास्ते थे, उस वो भी ज़्यादा बेहतर थे दिखने में और बढ़िया थे, NH-1 तो बढ़िया है ही। तो अभी गूगल आंटी कह रही है कि 3 घंटा लग जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, अभी भी 166 किलोमीटर हैं, हम लोग बहुत लाइटली चला रहे हैं, अब देखते हैं मथुरा जाकर स्टॉप लेना है। मथुरा 50 किलोमीटर, 50, यस वी आर कमिंग। सो सो अभी देखते हैं, लेकिन यहाँ कोहरा कुछ ज़्यादा ही कोहरा है। देखो
नेक्स्ट ताजमहल टाइप का कुछ बना रहे हैं, आई डोंट नो। सो अभी ऐसा सीन है कि गूगल आंटी कहाँ अंदर अंदर से लेके जा रही है। पहले कट था, वो कट तो हम लोगों ने मिस कर दिया, आगे चले गए थे। मैप मुझे बार बार यू टर्न कह रहा है। मैं क्या हो गया, यू टर्न क्यों कह रही है? फिर मैंने चेक किया तो हर्ष भाई ने एक्चुअली हर्ष भाई फॉलो नहीं कर रहे थे। हर्ष भाई को लगा कि मैं कर रहा हूँ और मेरे को लगा कि हर्ष भाई कर रहे हैं। फिर हर्ष भाई बोलते अच्छा, फिर चेक किया मैंने भी चेक किया, फिर देखा अरे यार हाँ गूगल आंटी चुप हो जाओ। फिर यहाँ से पता नहीं अंडर पास से लेके यहाँ से कहाँ से लेके जा रहा है, और ख़तरनाक वाला ऑफ रोडिंग करवाया पहले बात तो। चलो देखते कहाँ निकालता है। सो यार खाना हो गया हमारा, यहाँ पे आधा घंटे के ज़्यादा ही लगा लिया, 10:53 हो रहे हैं अभी। मैं चला रहा हूँ अभी अपना हर्ष भाई का स्कूटी चला रहा हूँ मैं, हीटर ग्रिप्स ऑन करके रखा हूँ, देखता हूँ कैसे काम करता है। मैंने भी ऑर्डर किया है तो देखना बनता है। चलो हर्ष भाई। ये देखो रेड क्वीन और ये हर्ष की नारुतो खड़ी है। नारुतो टैक ये रूम लिया है, सस्ता टिकाऊ, बस 2-3 घंटे रहना है तो सामान रखने के लिए सही है। हमें कुछ पड़ा अराउंड 300 रुपये के आसपास कुछ पड़ा ये रूम, तो लाइक 100-100 रुपये पर पर्सन मान ही लो। तो यहाँ पे हम लोग अभी दर्शन करने जाएंगे बाबा का, तो जाके थोड़ा ज़्यादा मैं अंदर ब्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि ये यार एक वो एक धार्मिक स्थल है और आप जाके अगर ज़्यादा वहाँ पे ब्लॉगिंग करते हो, आप वहाँ पे एक दर्शन करने आए हो, आप ज़्यादा तो मतलब वीडियोग्राफी के लिए तो आए नहीं हो, तो मैं कोशिश करूँगा जितना कम हो सके ओवर लुक दे दूँगा मैं ऊपर से। तो हर्ष भाई आज मैं चैनल हाईजैक कर लिया, अब मेरे को आज मैं ब्लॉगिंग करूँगा। क्यों करेगा? 30 हज़ार के कैमरे से आज हम ब्लॉगिंग करेंगे। अरे ओ चमक रहा है। अरे ये तो बंद करते, कुंडी लगा दे, आ जाओ भाई। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, और ये आपके हाई ऑन स्पीड मतलब गति में तेज ले लो, ये दरख्वास्त कहते हैं। हाँ दरख्वास्त, ये हमने दरख्वास्त दे दी है यहाँ पर अब मंदिर में चढ़ाने के लिए। अब गति में तेज आ जाइए। भारत दो पहियों पर नहीं आए हैं क्योंकि देखो हमें, मेरे को पता था कि भाई एकदम कॉल करूंगा तो नहीं आ पाएंगे, अब लोग के पीछे रह गया। टॉम एंड जेरी भी नहीं आया। टॉम एंड जेरी ने फिर हमें ही बोला भाई, मतलब बंदा ऐसा है यार वो कि पहले तो भाई कॉल नहीं उठाया, फिर उसके बाद कॉल नहीं उठी, उसके बाद हमें ही कि भाई तुम छोड़ के चले गए। लो भाई ब्लॉगिंग करो। ये देखो इसको कहते हैं दरखास्त, तो ये शायद तक मंदिर में चढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ का जो सीन है कुछ थोड़ा सा अलग है। लाइक मुझे हर्ष भाई आगे अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो समझा रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है यहाँ पे वगैरह वगैरह ऐसा ऐसा होता है। तो अभी जाके ये मंदिर में चढ़ाएंगे शायद तक। तो गाइस ये देखो ये मंदिर, ये गेट पे शायद एंट्री नहीं करने देते हैं, पता नहीं मुझे। तो हर्ष एंट्री कहाँ से होगी? एंट्री पहले यहाँ पर भी थी, अब आगे से हो गई है। आगे से हो गई है, अच्छा गाइस एंट्री आगे से होगी। टाइम पे वहीं से। तो गाइस अभी फाइनली दर्शन हो गए हैं, हम लोग बाहर आ गए हैं, तो अभी डिस्कस कर रहे हैं चाय वाय पीना है।
ऐसा सीन है कि मैं आपको तो पता ही है, मैं कल रात से सोया नहीं, मतलब कल रात पर सोया नहीं क्योंकि नींद आ नहीं रही थी, तो अभी थोड़ा सर भारी हो गया है, थोड़ा लाइक नींद सा आ रहा है, या फिर थोड़ा एक दो घंटे मिनिमम सोऊंगा, उसके बाद देखते हैं वृंदावन जाके अगर वापस स्टे करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट दिल्ली पहुँच जाएंगे, तो आपको होटल जाके So guys, अभी वापसी जाने का प्लानिंग हो रहा है, मतलब तैयारी हो रही है, देख सकते हो आप सूटी वार्म अप के लिए ऑन कर दिया है, हर्ष भाई ने अपने फॉग लाइट्स लगा दिए हैं, और बस इसमें थोड़ा इंजन ऑयल थोड़ा कम है, हर्ष भाई का ये भी कम है, आई डोंट नो, बट जाके मैं चेक करा लूँगा। सो अभी तो ज़्यादा देखने के लिए रहेगा नहीं क्योंकि ऐसे ही इतना रात हो जाएगा, सो मैं जितना हो सके उतना दिखाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी भी अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो, अगर नहीं लग रहा होगा तो फिर कमेंट में बताना ज़रूर कि क्यों नहीं लग रहा है, और अगर आपको और कुछ देखना है मेरे चैनल में, लाइक मेरे और एक ट्रैवल वीडियो, तो अभी आई बटन में ना लिंक आ रहा होगा, वो भी चेक कर लेना आप। तो बस रास्ते में निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सीनी। सो गाइस, अभी यहाँ पे एक मतलब राजस्थान में ही है, एक मैकेनिक वाला एरिया है यहाँ पे रुके हुए। एक्चुअली क्या हुआ कि हर्ष भाई ने एक चीज़ नोटिस किया, हर्ष भाई तो मतलब जब भी जाते हैं हमारे साथ तो चेक करते रहते हैं स्कूटी का हेल्थ वगैरह, तो उसने वो इंजन ऑयल वाला ये निकाला तो उसमें चेक किया कि हम लोगों में कम हो रहा था, और लाइक इंजन ऑयल लाइक स्कूटी हीट कर रही है, सुबह भी उतना ही था, सुबह तो दिन का टाइम था तब ज़्यादा हीट करना चाहिए था, अभी तो शाम का टाइम है तो ठंड होना चाहिए, तो सब फ्रिक्शन की वजह से चल के आ रही है ना लंबी। हाँ, अभी हमें 20-30 किलोमीटर हुए हैं, इसलिए हमारी आज सुबह नहीं हुई है, हम सुबह आए 300 किलोमीटर, कभी कभी पूरी नहीं बोल हाँ बोल वही हाँ, इसलिए ज़रूरी है ऑयल चेक करना, कहीं भी उधर भी करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग एक ढाबा पे रुके हैं, तो यहाँ से दिल्ली अप्रॉक्सीमेटली नॉट दिल्ली तुगलकाबाद फरीदाबाद इज 82 किलोमीटर्स, और ये है एक ढाबा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भूख लगा है, खाना खाना है, हम लोगों ने लाइक इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हम लोग 90-100 लाइक नॉट 100 एक्चुअली लाइक 80-90 95 ऐसे मतलब हम लोग थोड़ा कर रहे थे। हाँ, ये हमारा ऑफिशियली फर्स्ट ब्रेक है आफ्टर 150 किलोमीटर, लास्ट में जो फर्स्ट स्टेशन में जो खींचा है ना मैंने हम लोगों ने, पर कुछ भी हो मज़े आ गए भाई। सो आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भी। सो गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा अभी तो फिलहाल है एक साथ 4 किलोमीटर बाद अलग अलग, इस बार राइड करके अच्छा लगा, मज़ा आया, लाइक इस राइड में आप लाइक फ्लेक्सिबिलिटी थी, कम लोग थे, अपने मन मर्जी से सिर्फ कुछ लाइक कर सकते हो, कहीं भी रुक गया, ग्रुप में उन्होंने वो नहीं होता है ना, लाइक किसी को उतरना होता है किसी को नहीं उतरना होता है, किसी को कुछ करना होता है किसी को कुछ नहीं करना होता है, तो ग्रुप में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे अगर डुओ में कर रहे हो, सोलो तो मैं एडवाइज़ नहीं करता हूँ, सोलो मैं खुद नहीं करता, बहुत ही रेयर करता हूँ, तो वो सब बात छोड़ो। खैर, आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो फिर चैनल में वापस आ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब तो आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तभी आप करोगे, मेरे से बोलने से आप करोगे या नहीं करोगे उससे तो कुछ मैटर नहीं पड़ता ना,
आपको अगर अच्छा लगे तो कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। अगर लाइक आप अगर ख़राब भी अगर नीचे लिखोगे ना कि आपका वीडियो ख़राब है इस वजह से, तो मुझे उससे ज़्यादा लाइक अच्छा लगेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैंने जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ उसको आप करेक्ट कर रहे हो एज एन ऑडियंस। कि मैं जब मैं यूट्यूबर नहीं था, जब मैं एज एन ऑडियंस देखता था, तो मैं भी अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स को लाइक करेक्ट करता था। तो ये एक लाइक कम्युनिटी है हमारा, लाइक यूट्यूबर्स के साथ और यूट्यूब देखने वाला ऑडियंस जो है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।